हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, एसएससी एमटीएस जो 2021 की वैकेंसी है उसका अभी डीवी ऑन गोइंग है। डीवी अभी हो रहा है, ठीक है। तो डीवी जब आप देने जा रहे होंगे तो आपको कुछ सवाल मन में ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर आपका जो सिलेक्शन है उसका जो फाइनल कट ऑफ आएगा, कितने नंबर पर कट ऑफ आ सकता है, किस जोन का कितना जा सकता है, या फिर जिन्होंने भी सारे स्टेट का प्रीफ्रेंस दिया होगा वो ये सोच रहे होंगे कि मेरा मिनिमम कितना मार्क्स हो तो सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ सवाल हैं आपके कि फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, टोटल जो वैकेंसी इस बार है वह कितनी है, ठीक है, डीवी के बाद नंबर कितना बढ़ सकता है जो डीवी के बाद है, और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, जो कि पूरे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसमें हम लोग आपको देते हैं, ठीक है। तो जब फाइनल कट ऑफ की बात कर ही रहे हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अभी डीवी राउंड चल रहा है इसमें मिनिमम कट ऑफ कितना है। तो यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे, अलग अलग मैंने कर रखा है, एमटीएस के लिए अलग और हवलदार के लिए अलग। जो यूआर कैटेगरी है उसमें 87 मिनिमम है, जो कि तमिलनाडु एंड पुडुचेरी का शायद गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 86 है, ओबीसी का भी 86 है, एससी का 83 और एसटी का 80 नंबर है, ठीक है। अगर हम बात करें हवलदार की तो 86, ईडब्ल्यूएस का 85, ओबीसी का 85, एससी का 83 और 76 हवलदार का है, ठीक है, मिनिमम कट ऑफ, ठीक है। अब बाद में हम फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे कितना इंक्रीज हो सकता है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए गए हैं। तो आप एमटीएस में देखेंगे तो 14,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, और हवलदार के लिए 12,185 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, ठीक है। अगर दोनों को हम ऐडअप करें तो लगभग 26,300 के करीब कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया। इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि 6597 कैंडिडेट जो हैं वह कॉमन है, ठीक है। कॉमन बोले तो जो बहुत सारे ओबीसी के, एससी के, एसटी के कैंडिडेट जो होते हैं वह यूआर का जब कट ऑफ पार कर जाते हैं तो उनको यूआर में भी काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो 6597 है। तो अगर हम एक्चुअली देखने जाएँ तो 19,627 कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया गया है इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हो सकता है कि 19,000 में वैसे तो ज़्यादा लोग एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अटेंडेंस जो होगी उसमें बहुत सारे लोग एब्सेंट भी होंगे। जैसे कि अगर पिछले साल की बात करें, जो पिछला साल डीवी हुआ था उसमें लगभग 25% जो कैंडिडेट थे वो एब्सेंट थे। एवरेज अगर हम देखें तो लगभग सारे जोन्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम मिनिमम लेकर चलते हैं 2,000 कैंडिडेट अगर एब्सेंट रहते हैं तो 17,500 कैंडिडेट जो हैं वह रिमेनिंग आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए फाइट में रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब 17,000 कैंडिडेट हो गए। अब हम ये देखते हैं कि वैकेंसी का क्या खेल है। तो यहाँ पर अगर आप वैकेंसी देखें, ठीक है, अगर आप वैकेंसी देखें तो एमटीएस के लिए 4106 वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। एमटीएस के लिए 4106 वैकेंसी है। हवलदार की वैकेंसी 3603 है और 7709 वैकेंसी टोटल है, ठीक है। और इस 7709 वैकेंसी के लिए लगभग 26,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। वैसे इसमें जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि 19,000 कैंडिडेट इसके लिए जो फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 19,000 देखें तो लगभग 2.5 टाइम्स कैंडिडेट जो है आपके फाइट होंगे, यानी कि अगर एक सीट है तो एक सीट पर लगभग 2.5 बच्चे हुए, ठीक है। अगर इस हिसाब से देखें, अगर दो सीट है तो दो सीट के लिए 5 बच्चे फाइट करेंगे। 5 बच्चे जब फाइट करेंगे तो 5 में से 2 का सिलेक्शन होगा और 3 जो है वह बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो 2:3 रेशियो आपका सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का रेशियो हो जाएगा यहाँ पर। तो जितने भी जैसे कि आपके 19,000 बच्चे क्वालिफाई किए हैं उसमें 7,000 ही क्वालिफाई करेंगे और बाकी बच्चे जो है वह कुछ कुछ नंबर से फाइनल डीवी होने के बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा खेल आप समझ गए। चलिए, अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं फाइनल कट ऑफ की तरफ, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ जैसे कि आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसके बारे में तो बात करेंगे ही। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो यूआर रीजन है उसमें मिनिमम, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि अगर आपका मिनिमम 89 मार्क्स हैं तो आपके सिलेक्शन हो सकते हैं एमटीएस के पद पर, ठीक है।
EWS में अगर आपका 88 है, OBC में 88 है, SC में 85 है और ST के लिए 82 अगर आपका मार्क्स है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसी तरह से 87, 86, 86, 84, 87 कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए। हवलदार के लिए अगर आपका फाइनल मार्क्स बन रहे हैं तो आप चांसेज है कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर अगर मैंने ऑल स्टेट प्रीफरेंस नहीं दिया है, ठीक है, अगर आपने ऑल स्टेट का प्रीफरेंस नहीं दिया है तो आप जिस भी, सबसे पहले तो आप एक चीज जो DV का रिजल्ट है उसमें अपना कैटेगरी देखिए और आपने कौन कौन से प्लेस पे कहाँ कहाँ प्रीफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। प्लेस के प्रीफरेंस का सबसे पहले आप अपना जो है कट ऑफ देख लीजिए वहाँ पे, ठीक है। अगर आपका कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा है, ठीक है, या फिर 1 नंबर भी ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेज है, रीजन वाइज वेरी करता है। जैसे कि अगर आप जो 2020 की वैकेंसी थी उसका अगर DV का देखेंगे ना, तो DV में किसी किसी जो जोन है, किसी किसी स्टेट में है, डिपार्टमेंट में है, कहीं पे 1 नंबर का इंक्रीज है और मैक्सिमम 4 नंबर का इंक्रीज हुआ था, ठीक है, और कहीं कहीं पे 0.5 नंबर का भी इंक्रीज देखने को मिला था, ठीक है। तो अगर मिनिमम आपका 1 नंबर ज़्यादा है तो आप मान लीजिए, ठीक है। लेकिन किसी किसी का हो सकता है कि मान लीजिए जैसे कि दिल्ली का जो UR का कट ऑफ है वह 91 है, ठीक है। तो अगर आपका 91 कट ऑफ है, अगर आपका 93 भी है, ठीक है, या 94 भी है, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन दिल्ली में ना हो, कहीं और हो जाए। लेकिन ये सियोरिटी नहीं है कि अगर आपका 2 नंबर ज़्यादा है तो उस पार्टिकुलर स्टेट में आपका प्रिफ्रेंस के अनुसार सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और चीज़ भी है कि जिस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो कट ऑफ ट्रेंड है वो वैकेंसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर जो पैटर्न है उसको एनालाइज किया तो उससे पता चला, ठीक है। वैसे तो डिटेल्ड वीडियो बनाने में आप अच्छे से समझ नहीं पाएगे, तो हम लोग स्टडी जो करते हैं उसके अनुसार बता रहे हैं कि वैकेंसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि कहीं ज़्यादा वैकेंसी है तो वहाँ पे जो DV के बाद जो मार्क्स होंगे वो कम इंक्रीज करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी स्टेट का कितना भी जा सकता है, ये लक के ऊपर है कि किसी जो पार्टिकुलर इसके लिए उसमें ज़्यादा कैंडिडेट ने फाइट कर लिया, ज़्यादा कैंडिडेट ने फर्स्ट प्रीफ्रेंस डाल दिया, या फिर फर्स्ट प्रीफ्रेंस ज़्यादा डाला वैसे बच्चों ने जिनका मार्क्स ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि उनके मार्क्स जो है ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। या फिर हो सकता है किसी भी जोन में वैकेंसी भी कम रहे लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनका स्कोर कम है तो हो सकता है उनका मार्क्स जो है वो कम इंक्रीज हो। लेकिन किसी भी अगर आप जोन से हैं, किसी भी प्रीफ्रेंस को आपने भर रखा है, अगर आपने ऑल स्टेट प्रीफ्रेंस दे रखा है तो आपका ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इतना मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेज है, ठीक है। अब जो आगे है दोस्तों, मैं आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह फिल होता है, कैसे फिल करना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया हुआ है। मेरा भी जो DV था वह NR रीजन में कल होना था, यानी कि 22 तारीख को, 22 फेब को होना था, लेकिन हम लोग जब गए तो वहाँ पे सर्वर डाउन होने के कारण जो DV हो नहीं पाया, ठीक है। तो DV नहीं हो पाया, तो हम लोग का भी न्यू जो है 25 फरवरी को DV शेड्यूल किया गया है। तो उसमें जैसे ही DV देकर मैं आऊँगा, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि क्या हो रहा है, अटेंडेंस कितना रह रहा है, उसके कुछ आइडिया लगा के आपको बता दूँगा कि अटेंडेंस वगैरह कितनी जा रही है। साथ ही आगे का जो भी प्रोसेस होगा आपको गाइड करता रहूँगा, ताकि जो भी नेक्स्ट MTS के कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट हो सके। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।